वेलकम टू द एग्जामगढ़। दोस्तों आप सभी का एग्जामगढ़ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों आपको हमारे इस चैनल में करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, यूपीजी के हिंदी, साइंस से रिलेटेड सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर आपको चैनल की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों आपके लिए हम छठवीं क्लास लेकर के आज हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों घड़ी इशारा कर रही है कि शाम के 5 बज चुके हैं और दोस्तों इसमें आपको परीक्षा में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। दोस्तों ये यूपी पुलिस और हाई कोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, एसएससी, जीडीआईबी और आरपीएफ के लिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सार्क का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों सार्क का स्थायी मुख्यालय काठमांडू में है। मेहंदी हसन किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों मेहंदी हसन गजल गायकी से संबंधित है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रोल ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रोल ओपेक का मुख्यालय वियना में है। दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इम्पीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इम्पीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी। मेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? दोस्तों मेट्रोलॉजी मौसम का विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। आईपीसी के कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंध से है? तो दोस्तों अनुच्छेद 370 यह अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है। तेल की एक छोटी बूंद पर पानी पर फैल जाती है क्यों? क्योंकि दोस्तों जल का पृष्ठ तनाव तेल की अपेक्षा अधिक होता है। राष्ट्रगान पहली बार 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में गाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रगान पहली बार 1911 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कोलकाता में गाया गया था। औपनिवेशिक भारत में किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने औपनिवेशिक भारत में अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो दोस्तों वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी और ये कालीकट पहुँचा था। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? तो दोस्तों गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा 1930 में शुरू की थी। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI मैसूर में स्थित है। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक सरकार का में मंत्री रह सकता है? दोस्तों 6 माह तक। कोई भी व्यक्ति राज्य विधान मंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम 6 माह तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? दोस्तों पीतल CU और ZN, कॉपर और जस्ते की मिश्र धातु है। भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? दोस्तों भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका नजारी ने निभाई थी। कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों एटलांटा में कोका कोला कंपनी का मुख्यालय है। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 11 भारतीय संविधान को में संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने का शक्ति देता है। ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध में किस खनिज का विशाल भंडार था? तो दोस्तों 6 शताब्दी में लोहे का विशाल भंडार था। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है?
दोस्तों आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय बुधान आंदोलन से संबंधित थे। डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के से कम बनने के कारण होता है? दोस्तों इंसुलिन हार्मोन जब कम बनता है तो लोगों को डायबिटीज मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन हुआ था। ऑरिजन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों ऑरिजन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ओलंपिक खेलों में प्रथम भारतीय महिला पदक विजेता का क्या नाम है? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों में प्रथम भारतीय महिला पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी हैं। राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम NSAP का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? दोस्तों 1995 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम NSAP का प्रारंभ किया गया था। तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पाया जाता है? तो दोस्तों तंबाकू में निकोटीन नामक उत्तेजक पाया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पास में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आपको डेली नोटिफिकेशंस मिल सके। जय हिंद दोस्तों।